लिमिट एक्सटेंड टू लेंथ बघा नेक्स्ट क्वेश्चन लिमिट एक्सटेंड टू लेंथ देन हियर माइनस वन रेस टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स वेर याच्यामध्ये बाजूला त्याने मेन्शन केलेलं आहे की हा जे तुमचं फंक्शन आहे दिस वन दिस इज नथिंग बट इज अ जी आय एफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इन अ जी आय एफ म्हणजे काय ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना तो ये इसके मेंशन करता कि कभी कभी इसका मतलब ये तो स्क्वायर ब्रैकेट है तो यहाँ पे अपन कैसे समझना है कि स्क्वायर ब्रैकेट है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो जब भी क्वेश्चन में देगा तो बाजू में स्पेशल मेंशन करेंगे कि ये जो फंक्शन है वो क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है बोल के है ना तो क्वेश्चन क्या होता तो हम दें फर्स्ट ऑप्शन माइनस वन का पावर एन है सेकेंड ऑप्शन माइनस वन का पावर एन माइनस वन है थर्ड ऑप्शन जीरो है या लास्ट ऑप्शन ऑप्शन में है डज नॉट एग्जिस्ट does not exist ऐसा क्वेश्चन पूछने वाला है माइनस वन का पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और लिमिट एक्सटेंड टू क्या है en तो यहाँ पर एकदम सिंपल यहाँ पे ये क्वेश्चन में कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक्सटेंड टू en है और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो सबसे पहले क्या अगर से समझो पहले माइनस वन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर से आप पहले समझो एक्सटेंड टू एन मतलब वो कहीं से भी जा सकता है ना एन मतलब ठीक है तो यहाँ पर तो क्या करेंगे समझो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में समझो मैंने रख दिया टू तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन टू कितना मिलेगा टू ये कितना मिला माइनस वन का पावर टू मतलब कितना मिला इधर प्लस का पावर है ना और अगर समझो माइनस वन का पावर रख दिया फोर तो फिर से क्या मिलेगा मेरे को माइनस वन का पावर फोर दैट इज इक्वल टू प्लस का वन इज देयर मगर अगर से कभी मैंने माइनस वन का पावर तीन रख दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तीन का कितना आता तीन और ये माइनस वन का पावर कितना है माइनस वन इज देयर उसी प्रकार से अगर से माइनस वन का पावर पांच अगर से रखेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पांच कितना आएगा इज इक्वल टू माइनस वन इज देयर तो क्या समझ में आ रहा आपने यहाँ पे आपने ये समझ में आ रहा है यहाँ पे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर से इवन फंक्शन रखेंगे जैसे कि दो चार छह तो हमको क्या मिलेगा प्लस का वन और उसी तरीके से अगर से माइनस वन रखे ऑड फंक्शन रखेंगे तो ये क्या मिल रहा है अपने को माइनस वन इसका मतलब यहाँ पे इसकी जो लिमिट है एक ही आंसर नहीं आ रहा है ना मतलब सब दोनों का आंसर एक आना चाहिए ना मतलब कैसा इवन रखो या फिर ऑड रखो दोनों का आंसर क्या आना चाहिए सेम यहाँ पर अभी फिलहाल यहाँ पे दोनों का आंसर क्या आ रहा है डिफरेंट आ रहा इवन के लिए वन आ रहा और ऑड के लिए क्या आ रहा माइनस वन इसका मतलब वी कैन से दैट हियर द ऑप्शन विल बी दिस वन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हियर वी कैन से दैट हियर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट तो लिमिट कब एग्जिस्ट होंगी जैसे कि अपने लिमिट को देखने वाला है लिमिट एग्जिस्ट कब होती जब लेफ्ट हैंड लिमिट कोई भी फंक्शन के समझो एक्सटेंड टू जीरो माइनस इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड टू जीरो प्लस लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अगर इक्वल है तो लिमिट क्या होती है उसकी एग्जिस्ट होती है वो कंसेप्ट के आधार पे ये फंक्शन का कैसे देखेंगे तो अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इवन का अगर रखे तो प्लस का वन आ रहा और ऑड का रखे तो क्या आ रहा माइनस वन आ रहा तो एक ही चीज के दो आंसर नहीं रह सकते है ना एक क्वेश्चन के दो आंसर पॉसिबल है लिमिट में नहीं है तो लिमिट उसको एडजस्ट ही नहीं करता जैसे कि एक आधे बड़े सबके को लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट पे आया तो दोनों की लिमिट इक्वल है तभी अपन क्या बोलेंगे फंक्शन का क्या लिमिट एग्जिस्ट है तो यहाँ पे क्या हो रहा एक क्वेश्चन के दो आंसर निकल रहे एक तो प्लस वन भी निकल रहा और एक माइनस वन निकल रहा तो एक क्वेश्चन के दो आंसर कैसा है पॉसिबल नहीं है इसलिए अपन बोलेंगे डायरेक्ट बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट मतलब इसका आंसर क्या है डज नॉट एग्जिस्ट मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट होने वाली नहीं है ओके अलग अलग क्वेश्चन महत्व सा है यस टेल मी नाउ अलग अलग सर फर्स्ट सर रासा है मतलब याचा आंसर काय असेल तुम्हाला लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट कारण का एकच क्वेश्चनचे किती आंसर व्हायचे दोन व्हायले जर आपण ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मध्ये ऑड फंक्शन दोन चार सहा आठ ठेवलं तर प्लस सव्वा भेटायले आणि तो जर आपण इवन ऑड सॉरी इवन ठेवलं तर प्लस भेटायले आणि ऑड ठेवलं तर काय भेटायले मायनस म्हणजे याचा अर्थ आहे एक क्वेश्चनचे दोन आंसर एक क्वेश्चनचे दोन आंसर असू शकतात नाही त्यामुळे लिमिट डज नॉट एक्झिस्ट सांगते एव्ही आंसर नाही एव्ही आंसर नाही एव्ही आंसर नाही डायरेक्ट आंसर लिमिट डज नॉट एक्झिस्ट इट इज अ इम्पॉर्टंट क्वेश्चन ओके सो नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन इज समथिंग लाइक टू हियर, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो एक्स इनटू लॉग ऑफ साइन एक्स इज देयर, एक्स इनटू लॉग ऑफ साइन एक्स इज देयर एंड ऑप्शंस आर समथिंग लाइक टू बी, फर्स्ट ऑप्शन ए माइनस वन, सेकेंड ऑप्शन बी log 1 to the base e, third question c 1, and fourth question is that does not exist, does not exist. तो ऐसा है, तो बोलो तो कितने मुलायम ना सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले हम डायरेक्ट लिमिट देखके इसका फॉर्म चेक करेंगे. लिमिट कहाँ पे जा रही है, एक्सटेंड टू जीरो की तरफ, है ना. अब यहाँ पे एक्सटेंड टू जीरो की तरफ है, तो अपना लिमिट जीरो. डायरेक्ट लिमिट का आंसर कितना आएगा, इज इक्वल टू, देखो हम सॉल्व करेंगे इसका, तो लिमिट एक्सटेंड टू जीरो एक्सटेंड टू लॉग ऑफ साइन एक्स. डायरेक्ट लिमिट जर मी अप्लाई केलं तर मला काय भेटणार, एक्सटेंड टू जीरो जीरो इंटू लॉग ऑफ साइन जीरो. साइन जीरो मीन्स जीरो, साइन जीरो कितना रहता है, जीरो. तो ये क्या होगा, लॉग जीरो. मैंने तुमको बताया लॉग जीरो जो वैल्यू इज वैल्यू ऑफ लॉग जीरो इज माइनस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट होता है इनफाइनाइट से, है ना. माइनस इनफाइनाइट रहेगा प्लस इनफाइनाइट, वो इनफाइनाइट की तरफ ही आने वाला है. इसकी वजह से ये फॉर्म क्या होगा तुम्हारा, जीरो इनटू इनफाइनाइट. तो कौन सा फॉर्म आया, इनडिटरमिनेट फॉर्म. राइट, कितने इनडिटरमिनेट फॉर्म है, नाम आए सात आए, त्यामध्ये पहला है जीरो बाय जीरो, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, आणि हे जीरो इनटू इनफाइनाइट, पुन्हा काय असतो वन रेस टू इनफाइनाइट, देन इनफाइनाइट रेस टू जीरो. दिस फॉर्म, तो इसमें से ये इस पे हो गया एल डैश हॉस्पिटल रूल में सॉल्व करते ही. इसके अंदर था जीरो टू जीरो इंटू इनफाइनाइट का फॉर्म चालू है, उसके बाद फिर इनफाइनाइट इंटू जीरो का फॉर्म चलूंगा, फिर वन डैश टू इनफाइनाइट का, ये तीनों का. इसमें लास्ट में इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट लेंगे अपन, ठीक है. तो अभी कौन सा क्वेश्चन का टाइप चालू है, जीरो इंटू इनफाइनाइट, ये जीरो बाय जीरो आया तो एल डैश हॉस्पिटल, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट आया तो एल डैश हॉस्पिटल. अब अपना टाइप क्या चालू है, जीरो टू जीरो इंटू इनफाइनाइट. चलो जीरो इंटू इनफाइनाइट मध्ये आला, तो सबसे पहली स्टेप क्या रहती, दो टर्म में से एक टर्म कहाँ जाएगा उसके डिवीजन में. तो x इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स मध्य लॉग ऑफ साइन एक्स खरीदना का नहीं, कारण लॉग इज लॉग क्या है, बूढ़ा फंक्शन, मतलब मतारा फंक्शन है. तो खरीदना में कौन जाना, यंग मानूस म्हणजे हा, लिमिट एक्सटेंड टू जीरो लॉग ऑफ साइन एक्स वरिष्ठ राहणार, आणि हा x खाली गेला खरीदाला वन बाय एक्स. जीरो इंटू इनफाइनाइट ची पहिली स्टेप, कालपासून आपण प्रश्न बघायलो. जीरो इंटू इनफाइनाइट ची सबसे पहिली स्टेप, अगर स्टेप जीरो इंटू इनफाइनाइट मांगे तो दो टर्म में से एक टर्म हमेशा नीचे जाएगी वन बाय एक्स. अब देखो, अब डायरेक्टली मैं अप्लाई करो, एक्सटेंड टू जीरो लॉग ऑफ साइन जीरो, व्हेन साइन जीरो जीरो, लॉग जीरो इनफाइनाइट, जो माइनस इनफाइनाइट, चलो माइनस इनफाइनाइट, वन बाय जीरो इनफाइनाइट, मतलब आपके कवर क्षेत्र में आ गया, ये आ गया. अब तुम्हारा फॉर्म आ गया इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट के फॉर्म. अब इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट आया, अप्लाई द एल डैश हॉस्पिटल रूल एंड सॉल्व वेरी सिंपल. सो व्हाट हैपेंड नाउ, ये इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, बोलो लॉग ऑफ साइन एक्स का रेट, बोलो लॉग ऑफ साइन एक्स का रेट इक्वल टू 1 बाय साइन एक्स, है ना. लॉग ऑफ साइन एक्स 1 बाय साइन एक्स, और साइन एक्स का रेट कितना, cos x, डिवाइड बाय 1 बाय x का रेट टू माइनस 1 अपॉन x का रेट, राइट है, बराबर है ना. डायरेक्ट तो मालूम है ना, सुबह से देख रहे हैं डायरेक्ट. लॉग ऑफ साइन एक्स मींस log of any function 1 upon o function, or फिर से वो function के रेट sin x रेट कितना, cos x divided by minus 1 upon x square, where is simple. So now, so we can say that it is equal to limit extends to 0. Now here cos by sin, so directly we can say that it is cot x minus 1 upon x square is there. So ये ऊपर से लेके limit extends to 0 माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ऊपर जाने के बाद ये माइनस एक्स स्क्वायर इनटू कितना, कॉट एक्स इज देयर, एंड माइनस एक्स स्क्वायर इनटू कॉट एक्स इज देयर. यस, टेल मी नाउ, अब क्या आएगा आंसर, समझे ना. ये एक्स स्क्वायर ऊपर चलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर चलेगा, एक्स स्क्वायर इनटू कॉट एक्स. अब देखो कैसा आइडिया से इसको मैं लिख सॉल्व करता हूं,
डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करतो मी x टेंड टू 0 मतलब 0 का स्क्वायर 0 cot 0 किती असतो cot 0 म्हणजे किती cos 0 बाय इनफाइनाइट किती असतो इनफाइनाइट इनफाइनाइट आहे बट ही हेल्प आउट करू मला म्हणजे एक काम करूया लिमिट x टेंड टू 0 एक काम करू पर्यंत हा माइनस का बाहेर काढू x स्क्वायर कोणाला हा दिसत असेल तर हा cot 9 हा काय tan आहे म्हणजे 1 बाय tan राईट आहे ही cot आहे तर ही काय tan आहे तो आप इसका मैसेज लिख सकते हैं देखो माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 कैन यू राइट दिस वन एज x स्क्वायर बाय tan x है तो है ना ये x स्क्वायर cot x मतलब 1 बाय tan x मतलब मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दूंगा x स्क्वायर अपॉन कितना हो गया tan x तो तुमको रिजल्ट मालूम है लिमिट कहां जा रही है x टेंड टू 0 की तरफ तुमको रिजल्ट मालूम है tan x बाय x कितना रहता 1 तो क्या करेंगे अपन डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या करेंगे डायरेक्ट तुम्हारा x स्क्वायर है ना तो x स्क्वायर में से क्या करेंगे अपन डायरेक्ट ऐसे करेंगे x इनटू x इनटू उनको समझ रहा होगा जरा पकड़े लेना तो छोड़ो मत x अपॉन tan x ऐसे लिख सकता हूं समझदार इनके सांगल तुम्हाला हे बघा की x पर आहे की नाही तो तुमको रिजल्ट मालूम है रिजल्ट तुमको मालूम नहीं इससे तुमको थोड़ा हार्ड जा रहा रिजल्ट क्या है काय होतो मैं बोलता देखो रिजल्ट क्या है ये रिजल्ट ये है आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाय x इज इक्वल टू 1 एक रिजल्ट ऐसा है या फिर उल्टा लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन tan x बी कितना रहता 1 है ना ये दो रिजल्ट तुमको मालूम इसका उल्टा करने से भी दिस वन तो यहां पे जो x स्क्वायर है और नीचे जो tan x आया तो हम इसको ये रिजल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं तो x स्क्वायर मतलब क्या x स्क्वायर मतलब क्या x इनटू x राइट x स्क्वायर मींस व्हाट x इनटू x तो x दोनों की लिमिट बांट के देंगे अपन देखो यहां पे x स्क्वायर का tan x देखो तो आप तुम्हारे समझ में आएगा तो मैं यहां क्या करूंगा पहले चलो लिमिट x टेंड टू 0 ये x स्क्वायर में से एक x यहां पे इनटू यहां क्या बचा x तो इसको लिमिट बांट के देंगे हम लिमिट x टेंड टू 0 x स्क्वायर में से एक x बचा डिवाइड बाय कितनी tan x तो ऐसा करने से इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 है ना x स्क्वायर में से एक x यहां पे आया और एक x इसके डिवीजन मतलब x बाय tan x ये वैल्यू कितनी होगी 1 लिमिट अप्लाई करा मैंने तो क्या होगा x टेंड टू 0 मतलब 0 माइनस 0 मतलब 0 0 * 1 दैट इज इक्वल टू 0 व्हाट इज द आंसर व्हाट इज द ऑप्शन ऑप्शन नंबर ऑप्शन नसतील ऑप्शन नंबर ठीक आहे पुन्हा ऑप्शन लिहितो ऑप्शन मध्ये त्याचे ऑप्शन होता ए ऑप्शन होता मायनस 1 बी ऑप्शन होता सी ऑप्शन होता 1 आणि चौथा ऑप्शन होता डज नॉट एक्झिस्ट विच ऑप्शन इज देयर कोणता ऑप्शन आहे कोणता डी 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 इज करेक्ट पण अरे कारण बघा ना आंसर तुझ्या समोरच आहे लॉग 1 ची व्हॅल्यू किती असते लॉग 1 टू द बेस 8 इज इक्वल टू 0 म्हणजे त्याने ते फक्त आंसर तुम्हाला फिरून दिलं याचा आंसर ऍक्च्युअली 0 आहे लॉग 1 टू द बेस ई ची व्हॅल्यू 0 असते माहिती की नाही लॉग ऑफ 1 बघा जरा लॉग 1 किती असतो लॉग 10 बघा तर लॉग मध्ये लॉग 1 ची किती असेल लॅड इक्वल टू 0 आंसर तुमचा 0 आला म्हणजे तुमचा बी ऑप्शन आहे त्यांनी डायरेक्ट आंसर न देता काही वेळेस असं पण देतात म्हणजे येऊन सुद्धा आपल्याला कळत नाही कोणता ऑप्शन आहे शांत बसते मग सगळे थोडे वेळेला आपले पण इट इज इथे आंसर आला 0 सो ऑप्शन नंबर बी इज देअर लॉग 1 टू द बेस इज देअर कारण त्याची वैल्यू सुद्धा किती असते 0 असते व्हाट इज द आंसर आय होप यू गॉट दॅट वन कळालं का सांगा नाही तर पुन्हा रिपीट करतो येस एनीबडी समजलं का हे बघा ऑनलाइन क्लासचा अर्थ असा असतो की आपण एकमेकाला कम्युनिकेट केला पाहिजे हो सर ठीक आहे तरी त्या मुलांना आता नक्की त्याला सांगतो बघा एक्स लॉग एक्स साइन एक्स मध्ये डायरेक्ट लिमिट अप्लाय करताना हा आला 0 इंटू इन्फाइनाइट चा फॉर्म मध्ये हिंदी में 0 इंटू इन्फाइनाइट फॉर्म में आया तो दो टर्म में से एक टर्म कहा जाता नीचे नीचे मतलब कौन जाएगा एक्स एक्स नीचे क्या मतलब कितना होगा 1 बाय एक्स
अब इसमें अगर से लिमिट अप्लाई करें तो ये लॉग साइन जीरो मतलब इनफाइनाइट और वन बाय जीरो मतलब इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट अप्लाई एन डैश हॉस्पिटल रूल लॉग साइन स्क्वायर टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर स्क्वायर टू कॉस एक्स और स्क्वायर टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कॉस बाय साइन हो गया कॉट जो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर ऊपर गया माइनस के साथ ही माइनस यहां पर आ गया एक्स स्क्वायर ऊपर गया माइनस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स तो कॉट को तुम लिख सकते 1 बाय 10 तो ये होगा 10 एक्स अब यहां पे क्या है x square tan x है तो ये x square भी x square का ही मतलब है तुम्हारे पास x into x तो multiplication में manipulation मैंने ये एक x बाहर ले लिया limit के बाहर और इसकी limit बात की जाए ये function को x upon tan x ऐसा करने से ये value कितनी होगी 1 और limit कहाँ पे जाए x tan को 0 तो ये तो 0 हो गया इसकी value 0 0 into 1 that is equal to 0 और इसका आंसर 0 आया और ऑप्शन में 0 नहीं देते हो इसका कैसे दिया log 1 to the base n the value of log 1 in the limit it is equal to नंबर डी स्क्वायर ओके सो नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट एग्जांपल जर एक दोन प्रश्न तुम्हाला देऊ का सॉल्व करायला तुम्हाला वाटे की तुम्ही सुद्धा वर्गात आहे म्हणून है ना tan पाई बाय 4 म्हणजे किती भेटणार tan 0 1 बाय 0 म्हणजे इनफिनिट divided by root x square into e raised to 5 cube root x minus 1 the x at a bracket that is equal to first option a 5 by 3 second option b minus 3 by 5 then afterwards c माइनस 5 बाय 3 बी ऑप्शन 3 बाय 5 से करते हैं क्वेश्चन तुमचं नाव अगर सिंपलीफाई करून देऊ सिंपलीफाई करने क्या जरूरत है देखो ये sin x का पावर 1 बाय 3 हो गया रूट x का स्क्वायर मतलब कितना हो गया x हो गया बस थिंक करते हैं और ये e रेस टू 5 इनटू ये जो था x रेस टू 1 बाय 3 इसके पावर में 5 मतलब कितना हो गया 5 बाय 3 देखो ये स्टेप को मैं अगर सिंपलीफाई करके देता हूं तुमको इसके आगे तुम सॉल्व करो लिमिट एक्सटेंड टू जीरो ये हो गया साइन ऑफ क्यूब रूट ऑफ एक्स मतलब होगा एक्स का पावर 1 बाय 3 लॉग ऑफ 1 प्लस 3 एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स का स्क्वायर मतलब होगा एक्स इनटू अब ये ई रेस टू 5 का पावर क्यूब रूट ऑफ एक्स मतलब ये एक्स का पावर 1 बाय 3 का पावर 5 तो ये डायरेक्ट तुम्हारा कितना मिला ई रेस टू कितना एक्स रेस टू 5 बाय 3 से राइटेगा x का पावर 1 बाय 3 1 बाय 3 के पावर 5 ठीक है माइनस 1 बस ठीक है तुम अब इसको सॉल्व करो इस एंगल में x स्क्वायर 1 बाय 3 है इसके डिवीजन में x है क्या कर सकते हो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय और x का तुमको दे दिया सॉल्व करके क्या आंसर आया इसको बोलो इस पर होमवर्क अगले क्वेश्चन तुम्हारा देव इच्छा तो मैं सॉल्व करायला नहीं आ रहा तो नहीं आया तो घर पे सॉल्व करना पड़ेगा मतलब करके तो देखो ट्राई योर बेस्ट चलिए कोई बात नहीं इतना ही क्वेश्चन करो पहले शुरू इतने क्वेश्चन अगर से आते होंगे तो अगला क्वेश्चन करने में मजा ठीक है सो नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ दैट वन ओके आता कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं आता हूँ नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को अपन चलें आता पर अपन कितने क्वेश्चन कवर के लिए फॉर्मल क्वेश्चन जो कवर ये दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन मतलब 0 बाय 0 कवर हो गया इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट कवर हो गया और अभी क्या करना कवर हुआ 0 इनटू इनफाइनाइट कवर हुआ तीन हो गए इंडिटरमिनेट फॉर्म अब हम चौथा लेंगे चौथा मतलब क्या 1 रेस टू इंफिनिटी अगर से आया तो ये टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे 1 रेस टू इंफिनिटी मतलब इंडिटरमिनेट फॉर्म 1 रेस टू इंफिनिटी हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन सीएलआर तो सबसे पहले
ये टाइप में अगर से ऐसा आता होगा तो सबसे पहले इसको शॉर्टकट ऐसी है, देखो तो साइडिंग लिखेंगे अपन 1:∞ सब फॉर्म वाले इधर क्वेश्चन आ रहे हैं यार पता सॉल्व करते हैं पहले इधर शॉर्टकट वाला शॉर्टकट ऐसी है जो मुझे इधर इफ लिमिट एक्सटेंड टू वन इफ लिमिट एक्सटेंड टू ए ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन ऐसा है कॉमन लिमिट एक्सटेंड्स टू ए की ऑफ एक्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट ऐसा अगर से है तो कॉमन दे कॉमन दे लिमिट एक्सटेंड्स टू ए ऑफ एक्स के पावर में जी ऑफ एक्स ऐसा f of x के पावर में g of x इज इक्वल टू e रेस टू लिमिट एक्सटेंड्स टू a g of x इनटू f of x माइनस 1 g of x इनटू f of x माइनस ये शॉर्टकट तुम्हारा लक्षात ठेवा लागेल ये सभी के लिए लागू है 1:∞ का कौन सा भी क्वेश्चन है देखो तुमको ये फॉर्मूले के हिसाब से हर एक आंसर आएगा सबके लिए अप्लीकेबल है ऐसे नहीं कि बस दो चार क्वेश्चन के लिए बाकी के लिए अलग ट्रिक नहीं ऑल द क्वेश्चंस ऑफ 1:∞ कैन बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग दिस शॉर्टकट तो ये क्या बोलता है कि इसके दिमाग में मत जाओ उसे कितना बोल रहा कि कोई एक फंक्शन है वो अगर से 1 है जिसके बेस में इसका 1 है और अगर से पावर में जी ऑफ एक्स से फंक्शन है वो इंफिनिटी की तरफ अगर से जा रहा होगा तो देखो वही मतलब है लिमिट एक्सटेंड टू ए एफ ऑफ एक्स मतलब 1 और जी ऑफ एक्स मतलब क्या इंफिनिटी मतलब अगर से 1:∞ के फॉर्म में है तो तुम उसको कैसे सॉल्व करेंगे एक्सपोनेंशियल के हिसाब से e रेस टू ये लिमिट ऊपर जाएगी लिमिट एक्सटेंड हुए g ऑफ x इनटू ये फंक्शन में से जो बेस में है उसमें से फंक्शन क्या करेगा एक माइनस करेगी f ऑफ x माइनस 1 वेरी सिंपल वन तो हाउ टू रिमेंबर दैट वन एकदम सिंपल है 1:∞ के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक्सपोनेंशियल का फायदा है सारे लेंगे अपन e रेस टू लिमिट एक्सटेंड टू a ये पूरी की पूरी लिमिट और यहां पे क्या g of x है इट इज और यहाँ पे फंक्शन में से एक क्या करेंगे अपन माइनस सब क्लियर रामबाण इलाज सब क्लियर इतना तो शॉर्टकट तुमको याद रखना पड़ेगा बाकी तो अभी तक अपन कोई भी याद करने का कोई नहीं बताया सिर्फ सॉल्व करने का बताया मगर ये टाइप के लिए 1:∞ के लिए ये भी यही फॉर्मूले से अपने को सॉल्व करना पड़ेगा और ये बहुत ही काम मतलब यूजफुल है बहुत काम आ रहा है ठीक है तो ये फॉर्मूला है सब 1:∞ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो तब भी अपन इसको साइड में लिख लेंगे और देखेंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे तो क्या है इसका फॉर्मूला e रेस टू लिमिट एक्सटेंड्स टू a और जो भी रहेगी लिमिट हो g ऑफ x इनटू f ऑफ x माइनस इट इज अ शॉर्टकट आप देखो तो पहले क्वेश्चन लगाएंगे तो पहले क्वेश्चन है लिमिट x n टेंड्स टू इनफाइनाइट फर्स्ट क्वेश्चन limit n tends to infinite cos of x by m का पावर पूरे का पावर n इज देयर ओके n इज देयर सो हाउ टू सॉल्व दैट वन वेरी सिंपल वन ऑप्शंस आर फर्स्ट ऑप्शन 0 सेकंड ऑप्शन b e थर्ड ऑप्शन c 1 by e last option 1 is there so let us do that such type of question so sabse pehle direct limit apply karenge m tends to infinity ke n tends to infinity I think it is m tends to infinity chahiye hai na m tends to infinity mein this one so cos of pehle direct limit apply karo cos of infinity x by infinity ab x number to tumko malum nahi hai तो वी आर कंसीडर्ड इज cos upon x by infinite मतलब क्वांटिटी अगर से अपन ने समझो फाइनाइट भी कंसीडर कर लिए तो फाइनाइट डिवाइड बाय इनफाइनाइट नीचे डिनोमिनेटर में आया तो इट इज नथिंग बट 0 cos 0 की वैल्यू 1 और ये कितना हो गया 1:∞ इनफाइनाइट इज देयर फॉर्म क्या हो गया 1:∞ इनफाइनाइट तो मतलब क्या कहेंगे लोग आई मदर से इनफाइनाइट की तरफ जा रहा हूं तो cos of x by infinite इनफाइनाइट डिवीजन में रहा तो क्या रहता any finite number divided by infinite that is equal to be 0 so ye hoga cos 0 hai na x by infinite matlab 0 to cos 0 ki value 1 aur uske power mein infinite 1:∞ ka form ka question hai
तो डायरेक्ट वन डे स्किल पॉइंट पे अपन डायरेक्ट वैसा नहीं सॉल्व करेंगे कि डायरेक्ट इसको लेके अपन, तो कैसे सॉल्व करेंगे सी एन ऑफ वन डे स्किल पॉइंट है तो डायरेक्ट अपन इसको फॉर्मूले में अगर बिठाए तो क्या होगा, ई रेज़ टू लिमिट एम टेंड्स टू इनफाइनाइट, बोलो फॉर्मूला, ई रेज़ टू लिमिट एम टेंड्स टू इनफाइनाइट जी ऑफ एक्स, जिसको जी ऑफ एक्स मतलब क्या है एम पावर में, और एफ ऑफ एक्स मतलब पूरा पूरे में से एक माइनस cos of x power n minus 1, ये इसे ब्रैकेट ले लेंगे तो तुम्हारे अच्छे से समझ आएगा कि cos of x by n minus 1 और ये ब्रैकेट बस समझ में फॉर्मूले में कैसे बिठाए हमने, e raise to limit extend to a, यहां पे लिमिट क्या है m tends to infinity g of x, तो यहां पे g of x मतलब जो पावर में रहेगा वो g of x मतलब ये, और f of x मतलब जो बेस में है, f of x में क्या है cos of x by n minus 1 is there, now let us solve it. अब इसको अगर सॉल्व करूंगा मैं m टेंड्स टू इनफाइनाइट केस में तो ये होगा इनफाइनाइट है ना, ये होगा इनफाइनाइट इनटू cos ऑफ x बाय इनफाइनाइट, cos ऑफ x बाय इनफाइनाइट हमें बताया x बाय इनफाइनाइट 0, तो cos 0 1 में से 1 गया 0, मतलब कौन से फॉर्म में आया इनफाइनाइट इनटू 0 के फॉर्म में आया, ठीक है. Now if it is infinite into 0, तो infinite into 0 में क्या होता है, एक टर्म क्या होती नीचे, infinite into 0 के फॉर्म में आया, तो infinite into 0 के फॉर्म में आने से इसमें क्या होगा एक टर्म नीचे जाएगी, तो cos of divided by 1 by m is there, ठीक है. आ गया यहाँ तक कोई तकलीफ, cos of x raised to x by m minus 1 divided by 1 by m is there. अब इसका देखो, अब इसको डायरेक्ट लिमिट अब अप्लाई करो, m टेंड्स टू इनफाइनाइट अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा cos ऑफ x बाय इनफाइनाइट, x बाय इनफाइनाइट 0, cos 0 1, 1 में से 1 गया 0, अरे अपने कवर क्षेत्र में आना क्या 0 0 डिवाइड बाय 1 अपॉन m का पे m टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो m बिल्कुल e के पावर में, ये पूरा e के पावर में, ये याद रखो ये पूरा e के पावर में चल रहा है, पूरा e के पावर में, और ये 1 by m, 1 by m मतलब कितना 1 by infinite, 1 by infinite nothing but that is equal to 0, so again 0 by 0 मतलब देखो इसमें 1 raise to infinity question उसमें फिर क्या यूज हुआ infinite into 0 वाला टाइप, फिर आप क्या यूज हो रहा 0 by 0 वाला, मतलब एक ही क्वेश्चन में दो से तीन फॉर्म तुम यूज कर सकते हैं, so now 0 by 0 के फॉर्म में है तो इसका आंसर बोलो इसके डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो e raise to limit m tends to infinite, बोलो cos of x by m carried to minus sin of x by m, और फिर से angle भी carried to with respect to m है ना, क्योंकि m tends to infinite मतलब यहाँ पे variable क्या है m, तो minus sin of x by m, देखो cos carried to minus sin of x by m, और फिर से x by m carried to कितना आएगा, इसमें x constant होता है minus 1 upon m square, और ये minus का carried to कितना 0 divided by माइनस वन अपॉन एम स्क्वायर एज इट इज है ना, बराबर है, तो ये कितना गया तुम्हारा 1 बाय एम करेड टू माइनस वन अपॉन एम स्क्वायर इज देयर, तो ये तुम्हारा एक्स अपॉन एम स्क्वायर आएगा डबल से, माइनस ऑफ एक्स अपॉन एम स्क्वायर इज देयर, क्योंकि एक्स कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट एज इट इज, और 1 बाय एम करेड टू माइनस एक्स बाय एम स्क्वायर इज देयर, तो इसमें से आप क्या हो जाएगा एम स्क्वायर इज कैंसल, आंसर कितना है माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ x by m is there. यहाँ आकर देखो ये स्टेप में तुमको कंफ्यूज है तो देखो यहाँ बता दो, यहाँ पे भी जगह आपके पास यहाँ बता दो डेरिवेटिव लेना लेते आना चाहिए तुमको, ये है दिस आप देखो सबसे पहले स्टार्टिंग से cos of x by m, तो पहले इसको cos का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ x by m एंगल है दिस, और फिर से ये एंगल का डेरिवेटिव अगर चलेंगे तो एंगल में m tends to infinity मतलब वेरिएबल m है हम विद रिस्पेक्ट टू m लेंगे तो इसका मतलब x क्या हो गया कांस्टेंट, तो x क्या होगा डेरिवेटिव बाय, अब डेरिवेटिव क्या रहेगा 1 बाय m, 1 बाय m का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर, ये होगा माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर, अभी आया क्या समझ में cos का डेरिवेटिव माइनस sin x बाय m, फिर एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो एंगल में डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू m है क्योंकि m tends to infinity मतलब क्वेश्चन m में है, तो m and m का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू, तो x क्या हो गया कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर, तो 1 by m का डेरिवेटिव जैसा
वन बाय एक्स का रेडियो कितना आएगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, उसी तरीके से वन बाय एन का रेडियो क्या रहेगा माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय फिर से वन बाय एम का रेडियो विद रिस्पेक्ट टू एम इज नथिंग बट माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर। तो अब ये माइनस का वन अपॉन एन स्क्वायर और ऊपर से माइनस का वन अपॉन एन स्क्वायर गेट्स कैंसिल, तो बचा क्या अपने पास बच गया लिमिट एम टेंड्स टू इनफिनिट माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स बाय एम इतना ही बच गया है ना, ये एक्स का ये माइनस का साइन ऑफ एक्स बाय। अब लिमिट अप्लाई करो, जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा ये कितना हो गया माइनस एक्स एज इट इज है ना, माइनस एक्स एज इट इज। इसको तुम लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखो माइनस एक्स मतलब एम टेंड्स टू इनफिनिटी मतलब कॉन्स्टेंट हो गया, माइनस एक्स बाहर हो जाएगा लिमिट के बाहर। लिमिट में अगर से एम टेंड्स टू इनफिनिटी अप्लाई करेंगे तो एक्स बाय इनफिनिट मतलब कितना जीरो, देखो ना साइन ऑफ एक्स बाय इनफिनिट और एक्स बाय इनफिनिटी मतलब कितना जीरो, साइन जीरो जीरो माइनस एक्स इंटू जीरो that is nothing but e raised to 0 and the value of e raised to 0 is nothing but 1 is there. Alag kare? Kano? Alag kare lakshat? No sir. Baki chuse tunne kaya chala re? Sangat nahi. Alag kare lakshat kaya kele? Tarsana shatya vichara. सर वेरी सिंपल इसको अगर यहाँ नहीं समझा हो यहाँ पे देखो स्टेप क्या करो एम टेंड्स टू इनफिनिट है ये बेचारा माइनस एक्स है इस पे तो लिमिट अप्लाई नहीं होगी ये एज इट इज, तो लिमिट सिर्फ किस पे अप्लाई करूंगी लिमिट एम टेंड्स टू इनफिनिट ये टर्म पे अप्लाई होगी साइन ऑफ एक्स बाय एम पे, ठीक है ये तुम्हारा हो गया ई का पावर माइनस एक्स एज इट इज। अब एम अगर से इनफिनिट की तरफ जाना होगा तो एक्स बाय इनफिनिट जो बताया तुमने एक्स बाय इनफिनिट मतलब कितना डिवीजन में तो वैल्यू क्या मिलती है जीरो, तो ये हो गया साइन जीरो, साइन जीरो मतलब कितना साइन जीरो मतलब कितना जीरो, तो इसके पूरे की वैल्यू ये पूरे की वैल्यू कितने मिलेगी तुमको जीरो और ये होगा तुम्हारा ई का पावर जीरो और वैल्यू ऑफ ई का पावर जीरो तुमको नहीं समझी थी। तो यहाँ पे देखो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स बाय एम और यहाँ पे डेरिवेटिव देखो एंगल का डेरिवेटिव बता तुम्हारा तुम्हें d by dm है यहाँ पे क्या है देखो ये इंपॉर्टेंट है जिसको नहीं समझाऊंगा क्योंकि m tends to infinite है जिसका मतलब अपन विद रिस्पेक्ट टू m डेरिवेटिव लेंगे तो d by dm of x by m। अब अगर से विद रिस्पेक्ट टू m है तो डेरिवेटिव में सिर्फ m वाला रहेगा x का कोई काम नहीं, x तो m के साथ आया साथ में आया शादी में तो इसका तो कोई काम नहीं है, है ना, तो इसमें क्या करेंगे ये जो x का डेरिवेटिव मतलब ये कांस्टेंट है तो ये डेरिवेटिव के बाहर तो डेरिवेटिव में सिर्फ क्या रहेगा d by dm of 1 by m ऐसा हो गया। सो इस कारण से ये x एज इट इज हो गया और m का डेरिवेटिव 1 by m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू m कितना आ गया माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर, ठीक है ये इसका डेरिवेटिव। अब देखो समझो ये ऐसा भी चलो ठीक है इसका डेरिवेटिव भी समझा होगा तुम्हारे को मैं बोलता आप समझो तुम्हारे पास ऐसा आया डी डी एक्स ऑफ एक्स बाय एम नहीं है समझो अब एम बाय एक्स तो क्या करते हो तुम बोलो विद रिस्पेक्ट टू एक्स है और एम बाय एक्स में एम क्या है कॉन्स्टेंट क्योंकि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स होने की वजह से ऑटोमेटिकली एम क्या हो गया कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव के बाहर और डेरिवेटिव में क्या रह जाएगा सिर्फ डी डी एक्स ऑफ वन बाय एक्स क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो तुम यहाँ पे लेते एम एज इट इज और वन बाय एक्स का डेरिवेटिव तुम लेते माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर ये ऐसा इसका खेल चेंज है। अब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एम है और एक्स बाय एम है तो यहाँ पे एक्स क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट जैसे यहाँ पे एम कॉन्स्टेंट था वैसे यहाँ पे एक्स कॉन्स्टेंट हो जाएगा डेरिवेटिव बाय डेरिवेटिव क्या रहेगा डी बाय डी एम ऑफ वन बाय एम रह गया फिर अब वन बाय एम का डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन एम स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एम आप समझा गया अच्छा क्या लगा मेरे डेरिवेटिव का कितना था एक्स कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन स्क्वायर सेम वन अपॉन एम का डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन एम स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए इसके बाद तो भी बताया are positive, comma,
if small a, small b, small c, small d are positive, comma, then limit extends to infinite. Limit extends to infinite. 1 plus 1 upon a plus bx the power c plus dx, the power c plus dx is option A, first option A, e raised to d by b, e raised to d by b, second option B, e raised to b by d, third option e raised to c by d, fourth option e raised to d by c. ऐसे ऑप्शन है, तो सिर्फ डराने वाला क्वेश्चन है, कोई खास बात नहीं है, कोई वेरी चिलर क्वेश्चन नहीं है, मगर